दोस्तों देख लीजिए वो ऊपर की तरफ है राधा रानी टेम्पल जी। देख सकते हो ये है गेट काफी भव्य तरीके से, इतनी काफी ज्यादा भीड़ है मैं क्या बताऊँ आपको। राधा रानी मंदिर के बिल्कुल निकट आपको उस तरफ दिखाई दे रहा होगा वो है राधा रानी टेम्पल। और भीड़ देख सकते हो इतनी बहुत तगड़ी, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है और मेले का भी आयोजन किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर के निकट, तो आप लोग एक बार भीड़ देख लीजिए। अभी हम उसके चौक पे पहुंचे हैं, सिर्फ टेम्पल के चौक पे पहुंचे, वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। तो एक बार भीड़ का अंदाजा लगा लीजिए कि हम टेम्पल तक किस तरीके से पहुंचेंगे, और उस तरफ भी काफी ज्यादा भीड़ है। और ये है मेन गेट, आप देख सकते हो राधा रानी टेम्पल का, तो ये है गेट मेन गेट। और यहाँ से ही आप लोग काफी लाखों संख्या में भीड़ दिखाई दे रही होगी, देखते हैं चलेंगे या नहीं जाएंगे। देख सकते हो ये है गेट, काफी भव्य तरीके से सजाया गया है जो कि रात के समय में देखने को मिलेगा। और दोस्तों भीड़ इतनी काफी ज्यादा भीड़ है मैं क्या बताऊँ आपको, गर्मी आप देख लीजिए भीड़ के मारे। और यहाँ से जो एंट्री गेट है वो हो जाता है शुरू, और एक बार बहुत तगड़ी भीड़ है आज के दिन, और इससे ज्यादा भीड़ सुबह 4 बजे के समय हुई थी जब राधा रानी जी का जन्म हुआ था उस समय। भीड़ के मारे काफी तगड़ी भीड़ है, देखते हैं मंदिर के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। देखिए काफी तगड़ी है, ये चारों तरफ रात के समय यहाँ लाइट वगैरह लगाया गया है, और जगह जगह पुलिस प्रशासन देख सकते हो, और जगह जगह पुलिस प्रशासन भी तैनात है। अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है चोरी का, चोरी वगैरह हो सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो देख लीजिए इसीलिए ही यहाँ पुलिस केंद्र लगाया गया, होटल वगैरह भी है, अगर आप आओ पब्लिक दर्शन तो आप यहाँ ले सकते हो। दोस्तों भीड़ के मारे काफी जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहाँ पे जो भक्तों को है वो रोक दिया जा रहा है, हर 5 मिनट में जो भक्तों को छोड़ा जा रहा है। तो देख लीजिए इस तरीके से कितनी तगड़ी भीड़ आ रही है, एक ही बार में 5-5 मिनट रोका जा रहा है, हर चौकी बनाई गई है। तो देखिए आगे भी बनाई गई है, पता नहीं यहाँ रोकेंगे या नहीं रोक सकते। दोस्तों भीड़ देख सकते हो आप, एक बार देख लीजिए पुलिस वालों ने रोका हुआ है वहाँ इस तरीके से, जिससे कम जनता जाए, और फिर भी काफी तगड़ी भीड़ है, जिस कारण से आप देख लीजिए अभी छोड़ दिया गया है। और ये भीड़ के कारण मैं आप लोगों को दर्शन नहीं कराया पर राधा रानी मंदिर में, जैसा कि आपको पता है पहले बांके बिहारी मंदिर में काफ़ी सारी घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ पे भीड़ के कारण घुटन, यहाँ तो बांके बिहारी छोड़ इतनी लाखों की भीड़ है। तो एक बार आप भीड़ ही देख लीजिए, विश्वास नहीं हो रहा, इसी कारण से मैं वापस आ रहा हूँ। तो देख लीजिए ये राधा रानी टेम्पल का गेट, तो भीड़ के कारण दोस्तों वापस आना पड़ रहा है। मंदिर में पहुँचते कम से कम हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, और सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ झांकी मेला वगैरह भी काफ़ी सारे चल रहे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भीड़ देखो एक बार, भीड़ तो बहुत तगड़ी भीड़, यहाँ जनता की भीड़ लगी हुई है, इसी कारण से मंदिर तक पहुँचने के लिए काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं निराशा होके, अगर गए भी तो उनको पूरा शाम लग जाएगा घूमने घूमने में ही, इसी कारण से जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं भीड़ से देखते हुए। तो दोस्तों देख लीजिए वो ऊपर की तरफ है राधा रानी टेम्पल जी, और नीचे की तरफ आप भीड़ देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक भीड़ है, काफ़ी तगड़ी लाइन है भीड़ों की, तो लाखों की संख्या में जो भक्त आए हुए हैं, अंदर जाना काफ़ी मुश्किल का काम है, मैं इसी कारण से नहीं गया, राधा रानी के दर्शन तो मैं करता रहता हूँ गाइज। भीड़ देखिए कुछ इस तरीके से, और भी अभी तगड़ी भीड़ लगी हुई है।
ये भंडार के लिए काफ़ी तगड़ी यहाँ जो लाइनें लगी हुई है और भक्त जो है अभी आते जा रहे हैं, जो मंदिर बंद होने का समय हो चुका है, इसी कारण से जो भक्त है उनकी भीड़ इस समय फिलहाल बढ़ती जा रही है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से फिलहाल।